हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशा की होप में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। जब मैं हॉस्टल में था तब मेरे दोस्त मुझे पिन्नियाँ खिलाया करते थे, तो आज मैंने मम्मी से कहा कि पिन्नी बनाने के, तो आज मम्मी पिन्नी बनाने जा रही हैं, तो चलते हैं। आज हमने क्या क्या लिया है मम्मी? दलिया की पिन्नी बनाएंगे आज हम दलिया की पिन्नी बनाएंगे। तो हाँ, कितनी दलिया है? 250 ग्राम दलिया है। कितनी ये पीसी चीनी है? ये कितनी हाँ, है? 100 ग्राम है पीसी चीनी। ठीक है, ये क्या और है? ये 150 ग्राम के बराबर ये देसी घी है। ठीक है। ये बाउल तो सबके पास होंगे इस तरह के, तो एक बाउल है। और ये गिलास भी सबके पास होती है करीब करीब, तो एक गिलास दूध है। और इतना ये मेवा है। मेवा में देखिए, भुना हुआ मैंने मूंगफली लिया है, उसको भून के छिलका हटा दिए हैं। और ये बादाम है, ये काजू है, इतने हैं। इसको मैं दरदरा पीस लूंगी। तो ये जो दलिया है इसको हम थोड़ा पीसेंगे, क्योंकि पिन्नी के लिए थोड़ा सा आटा बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, इसलिए दलिया थोड़ा पीस के हम बनाएंगे इसका पिन्नी। इसको बच्चे बूढ़े बड़े शौक से खाएंगे और ये पाचन में भी बहुत सहायता करता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने पीस लिया है और पीस के इसको हम चलने की सहायता से इसको पीस पीस के चाल दिए हैं। चालने के बाद जो लास्ट में बचा उसको हमें इसी में मिला दिए हैं। तो ये थोड़ा दरदरा हो गया, ये देखिए ये दरदरा टाइप का हो गया, बहुत बारीक नहीं है। और ये 50 ग्राम सूजी है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देना है, मिला दे रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे। ये देसी घी है, घर का बना देसी घी है। एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा दे रहे हैं ताकि उसमें इसको तलना है तो थोड़ा गर्म हो जाए, कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो जल्दी से बना लेंगे। ये देखिए मिला लिया। अब इसकी सहायता इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इससे ऐसे गूंथेंगे, दूध से इसको गूंथेंगे। देखिए ये गूथ चुका है, आधी गिलास कम से कम लगा, आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा है, बाकी अब दूध की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम चलना, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, हम चलना है तो इसमें घी डालना है, देसी ही घी डालेंगे। घी आपको थोड़ा कम लगे तो और डाल देते हैं। घी गरम हो गया है, देखिए घी गरम हो गया है। इसको इस तरह हम बनाते हैं, इसको ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ये इस तरह से इसको हम डालते हैं। इसी शेप में क्यों डाल रहे हैं? गोला गोला नहीं डाल रहे हैं? इसी शेप में डालने से अंदर तक खुल जाता है अच्छे से। पिन्नी बनाने का तरीका यही है। देखिए ये पक चुका है, थोड़ा धीमी आंच करके पकाते हैं, थोड़ा तेज और धीमी दोनों तरह की आंच होती है, तो जरूरत पड़ती है तो धीमा कर देते हैं आंच को। देखिए अब इसको निकाल ले रहे हैं, इसी बर्तन में निकाल ले रहे हैं क्योंकि थाली बड़ी है, चारों तरफ घी लगेगा, इसलिए मैं इसमें निकाल लेती हूँ। दूसरी शिफ्ट भी इसी तरह डाल दूंगी, इसी तरह पका लूंगी। देखिए हमने इसको तल लिया है, ये देखिए ये तल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको चाहे तो हाथ से, चाहे देखिए ये हाथ से करेंगे, या तो ये थोड़ा मिक्सी में इसको पीस देंगे तो जो गुठली होगी इस तरह की वो सब जो है पीस जाएगी। और ये देखिए मेवा मैंने पीस के रख लिया है, तो अब चल रहे इसको पीसने। देखिए दोस्तों ये पीस चुका है, ये देखिए इस तरह से मिक्सी जार में मैंने पीस दिया, इस तरह से देखिए लग रहा है कितना सुंदर है। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, करके 200 ग्राम है चीनी। चीनी मेवा कुछ भी हो दोस्तों, ये तो आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप मीठा पसंद करेंगे उतना आप डाल सकते हैं। और मेवा ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने पसंद से डाला जा सकता है। मेवा डाल दिया। अब दोस्तों जो तले हुए हैं, इसकी तलाई हुई है, जो घी बचा है मैं उसको इसमें डाल दूंगी। इसमें पीसा हुआ मेवा मिला लिया मम्मी ने, अब जार चीनी भी मिला लिए, मेवा भी मिला लिए, मिक्स हो गया ये। अब ये जो घी बचा था जो तले थे उसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो कोई भी घी आपका वेस्ट नहीं होगा? हाँ वेस्ट नहीं होगा। और इसको डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, मिक्स करेंगे फिर लड्डू बनाएंगे इसका। ठीक, देखिए मैंने घी वो सब मिक्स कर लिया है,
अब इसको हम चलना है देखिए बनाने, अब इसको हम बनाएंगे। कुछ नहीं करना, और साइज आप अपने हिसाब से बनाइए, गोला गोला बनाइए, बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए। देखिए ये साइज यहाँ रख दिया, आप अपने हिसाब से साइज बनाइए, गोल गोल बनाइए, गोल गोल बनाइए, सुंदर सुंदर बनाइए। देखिए ये इस तरह से बनाइए और खाइए, गर्मी में ज्यादा अच्छा है, कहीं से आया खा लिया, पानी पी लिया, बस इस तरह बना के सारा रख लीजिए। अभी रख लूंगी तब मैं फिर दिखाऊंगी पूरा। बन के तैयार हो गया है, देखने में तो एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसे हॉस्टल में दोस्तों का रहता था, टेस्ट करके भी वैसा ही लगेगा। आप इसको कंटेनर में बंद करके रख लीजिए, बाकी कोई खाते रहिए, पानी पीते रहिए इसको गर्मी में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।